joint, right? ये देखो ये पूरा इनका हाथ नहीं है, ये पूरा बॉडी है. जैसे एनर्जी यहाँ पर आई है, अगर मैं ऐसा अगर करता हूँ एनर्जी बड़ी हुई है, राइट है ना. मैं अगर ऐसा करूंगा तो ओवरऑल बॉडी का एनर्जी जो है बैलेंस हो जाएगी ऊपर. मैं पत्ता हमेशा एनर्जी देती है. मैंने यहाँ पे रखा तो एनर्जी यहाँ से एक्सेस एनर्जी जो ऊपर की तरफ ले गई. हाँ, और ये करने से पहले हाथ का हमारा ये जो ये जो जो अपना लाइन जो रहती है वो नाभि हमारी सेट करना वो भी जरूरी है. सब चीजें एक ही सेशन में बताए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू शो मैक्सिमम, राइट है. ये हमारा सेटिंग अगर सही है, एक बीच की जो दो लाइन जो दिख रही है, दोनों हाथों में बीच में दो लाइन होती है, उसको ज्वाइन करके देखने का, हमारे उंगली के दो लाइन और तीसरी लाइन और बीच वाली लाइन पाम के अंदर जो लाइन है वो पैरेलल अगर है, मतलब नाभि हमारी सही है. जरा भी अपडाउन अगर है इट मीन्स के अंदर का सिस्टम में थोड़ा सा तभी गड़बड़ है. तो थोड़ा सा नहीं गड़बड़ है, ये अपने देखिए, एक दो तीन चार आपको ऑन एंड ऑफ सही है. फिर भी इसको स्टिमुलेशन करने के लिए कुछ लोगों का थोड़ा ऊपर होता है, कुछ लोगों का थोड़ा नीचे होता है. तो ये दो बीच की दो लाइन को ज्वाइन करके एक दो तीन चार इसको ज्वाइन करेंगे. इसको ज्वाइन करें तो ऑटोमेटिकली तीन ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ी है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो आप नोटिस करना ये दो लाइन ऊपर नीचे होगी. दोनों हाथों की एक दो तीन चार लाइन जो है अपसेट होगी. ये आप मैच करोगे तो ये दो ऊपर नीचे जाएगी. तो इसको सेट करने के लिए कहीं और तरीके. अभी आपने बताया कि ये फिंगर में आपको प्रॉब्लम है, तो ये फिंगर आपका बैक पे, तो ये पूरा हाथ ये फिंगर है, राइट है. पहला क्वेश्चन आपका ये है, राइट है. तो यहाँ पर अगर मैं इनको यहाँ पे अगर ये करता हूँ, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हाथ का ये है ना, करेक्ट है ना. तो पीछे से मैं कोशिश करता हूँ कि ये एनर्जी इम्बैलेंस जो हो गई है, ज्यादा हो गई है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ. तो यहाँ पे करने से मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, लिटिल बेटर, ओके. एनीवे ये देखो, जैसे ये हाथ है तो ये फिंगर ये हाथ है, राइट है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द हैंड इज दिस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिंगर इज दिस, राइट है. तो ये पोर्शन ये पीछे वाला पोर्शन पे पीछे वाला पोर्शन ये ज्वाइंट है विच इज दिस ज्वाइंट, करेक्ट है. तो एक साथ में होलसेल में एक पत्ते को मैंने यहाँ रखा और एनर्जी ज्यादा हो गई है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ. ये मैंने यहाँ पर किया नाउ सी, स्वेलिंग टाइप है, उसके लिए वो गर्म पानी के अंदर दोनों हाथ रखने का 10 टाइम, यानी गर्म पानी सॉल्ट नहीं डालो तो भी चले. गर्म पानी में देखो 10 सेकंड गर्म पानी में रखो, 10 सेकंड ठंडे पानी में रखो, 10 सेकंड गर्म पानी में रखो, 10 सेकंड स्वेलिंग में गर्म ठंडे में, बहुत फर्क पड़ेगा. इट इज नेचुरल इलाज. कैसा लग रहा है, बेटर लग रहा है? बस कर सकते हैं. देखो कोई भी एक्सरसाइज इज वेरी गुड. ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बहुत ही अच्छी है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, एनी बडी एल्स अभी हो रहा है दर्द बेटा, कहीं कम आप आइए, आप करो ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना. सो यू विल गेट इंस्पिरेशन. आप कम कोई भी आइए. अभी देखिए ये थंब में पेन है, राइट है. यानी ये थंब कहाँ से आया, यहाँ से आएगा, करेक्ट है. ये पत्ते को मैं यहाँ रखूंगा और ऐसा करूंगा तो यहाँ इधर की तरफ जो एनर्जी एक्सेस जो हो गई है, मैं एनर्जी को, ये पत्ता भी एनर्जी देती है, लेकिन मैं रिवर्स की तरफ लेके जा, गाड़ी मेरे सामने से आई है, अभी गाड़ी को पीछे ले जाने के लिए उस गाड़ी को ना छेड़ते हुए दूसरी गाड़ी को मैं पोस्ट पड़ा. लिटिल बेटर, देखो लिटिल बेटर मीन्स वेरी गुड. ये देखो इवन 0.5% भी अभी जो किसी को पेन है और फायदा लग रहा है. आइए एनी बड़ी कम आई आई कम सी दिस आई एम ट्राई आई डोंट चैलेंज एनीथिंग. इट इज अ नेचर. आई जस्ट यूटिलाइज द लॉजिक ऑफ नेचर, द पावर ऑफ नेचर, एंड ड्यू टू पावर ऑफ नेचर पीपल गेट रिलीव. फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द रियल पावर इज इन एवरीवन. द रियल पावर इज इन एवरीवन.
यहाँ पे दर्द हो रहा है ना अभी दर्द हो जाए मुड़ता से मुड़ता नहीं मैं नहीं बोलूंगा कि ये करने से मुड़ना चालू हो जाए बट द थिंग इज आई विल ट्राई नेक्स्ट सीजन देखो कुदरत का अगर इतना ही करिश्मा हो सकता है मुड़ना चालू हो जाए ऊपर वाले की कोई बंदिश नहीं अप्लाई करके ट्राई तो करो माइग्रेन का तो इतना जबरदस्त इलाज है ओ हो भूल गया हूँ हाँ आइए देखिए उसमें आपको मैं बाद में सेशन होने के बाद में एक दो मेथी लगा दूंगा आपके फिंगर में एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू इट ये सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए तो यहाँ पर जो इस तरह के अपना वर्कशॉप रखते हैं मैडम ये नंबर यहाँ पे आप लिख लेंगे कार्ड नीचे ये जो चार्जर दिखा है ना मैडम उसका नीचे जरूरत आपको मिल जाए नीचे जरूरत पड़ा उसके पास सारा मैंने दिया हुआ है देखो अंकल ये इसके लिए भी ना गर्म पानी ठंडा पानी का ट्राई करना उसके पास आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम देखो ये इस तरह का कॉपी है नीचे जरूरत कॉपी वाला जो है क्या मास्टर कॉपी दिया हुआ है इसमें सारी पॉइंट मैंने दिखाई है कैन यू सी दिस आपको माइग्रेन अभी दर्द हो रहा है देखो जो बेटा जो वो बताया ब्रीदिंग अनुलोम जरूरी है 20-20 टाइम भ्रमरी प्राणायाम भ्रमरी प्राणायाम 20 टाइम मॉर्निंग 20 टाइम आफ्टरनून 20 टाइम इवनिंग 20 टाइम नाइट कोई बड़ा डाउट भी नहीं बहुत छोटा डाउट है और ये जो अभी अभी सर में दर्द है प्रॉब्लम इस तरह से नींद नहीं आती पैसा ज्यादा हो तो नींद नहीं आती ऐसा तो नहीं है देखो फिलहाल अभी दर्द है अभी नहीं हो रहा मैंने अभी मेडिसिन अभी ली हाँ तो एनी वे तो जब भी दर्द होगा ना तभी ये जो है तो ऐसे ये देखो पत्ता जो है पत्ते के जो कांडी जो है ऊपर की तरफ रखती है जब फाइव टाइम ही दूंगी कीप द फेथ एंड डू इट बहुत जबरदस्त काम करता है 7 साल पुराना प्रॉब्लम 3 सीटिंग में फर्क पड़ा हुआ है 3 सीटिंग में आई डोंट चैलेंज ये प्रैक्टिकल टेस्टिमोनियल है और लोगों को मैं बोलता हूँ करो ये खाली एक ही चीज यानी एक ही टाइम में नहीं हुआ है ट्रीटमेंट जब लेने आते हैं लेने जाते हैं इसका 15-20 मिनट हाफ एन आवर सेशन लगता है यहाँ पे 45-50 मिनट के सेशन के अंदर सारी चीज बताना पॉसिबल नहीं है ना ठीक है गर्म पानी लेना गर्म बॉडी के अंदर गैस के कारण माइग्रेन क्योंकि गैस एंड एसिडिटी दिस प्रॉब्लम इज है गर्म पानी पीने से गैस निकल जाए और एसिडिटी के लिए अपने लीवर है ये देखिए आपका ये देख रहे हैं लीवर आपको कैन यू सी दिस लीवर तो ये जो पेन का जो मैंने बताया पेन को भी घुमाने से पत्ते वाला सिस्टम जो है जो एसिडिटी के प्रॉब्लम होती है लीवर से लीवर प्रॉब्लम नहीं थी तो वहां पे मैं इस तरह से पत्ता बांधता हूँ और या तो देर आर डिफरेंट मेथड उसके लिए आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं क्लिनिक पे आ सकते हैं मिरर में मेरा खुद का कंसल्टेंसी है मांदर में एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ और एक अलग अलग संस्था से सेंट्रल लाइन में आप चालू करें तो हम आएंगे देखो दीदी ऐसा है ना कि जहाँ पे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलते रहा एक से एक जब मुझे अपॉर्चुनिटी मैं रहता हूँ मिरार में तो मिरार में मैंने खुद का रूम लेके वहां पे कंसल्टेंसी चाहती हूँ बाइंदर में एक हॉस्पिटल में मैं बैठता हूँ वहां पे 3 घंटा जाके बैठा हूँ हार में एक जगह पे मुझे हफ्ते में एक दिन जाता हूँ उधर मैं 3 घंटा बैठा वेर एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो आई विजिट होम बाय कॉल बाय अपॉइंटमेंट एनीबडी वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग प्लीज या शुड आई रिपीट लाइक डायबिटीज का जो है रिपीट करने की जरूरत है दिस टू क्वेश्चन इज लंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टिम्युलेशन ऑफ लाइक दिस या लकड़ी लेके रिपीट करके जब मैं क्लास में दो दो मिनट हर दो दो घंटे में करने से आधे आधे मिनट पीछे घुमाने से आधे आधे मिनट फ्रंट के पीछे घुमाने से सर्वाइकल पेन नी पेन माइग्रेन प्रॉब्लम अस्थमा प्रॉब्लम एवरीथिंग दिस के सारी ऑर्गन का एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज लाइक अ स्पीच बोर्ड प्रेजेंट इन अवर हैंड एज वेल एज इन स्पीच
चलना भी जरूरी है। वॉकिंग करने से हमारे पैर के सारे पॉइंट है वो भी स्टिमुलेशन होते हैं कि जब ऑर्गन काम नहीं करेंगे तो अपना स्टिमुलेशन कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन पानी ज्यादा पीना जरूरी, गर्म पानी वेरी इंपॉर्टेंट। और पानी बैठ के खाना चाहिए, पानी पीना अलग बात है, खाना अलग बात है। कोई किसी ने कोई बोला पानी खाना है कैसे, बोला बैठ के पानी सिर्फ बैठ सिर्फ पीने का, पानी पीने वाला गुड़ 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 खड़े रहकर वहीं पे मड़के के पास जाते हैं खड़े खड़े पी जाते हैं, इससे जोड़ों का दर्द होता है। पानी बैठ के खाने से जोड़ों का दर्द भी कभी नहीं होगा। यू कैन टेक इट इन ड्राई। यस, हेडेक बिल्कुल नहीं भी, बिल्कुल गैस एसिडिटी प्रॉब्लम पॉसिबल। I'm telling you, see, there must be some reason. If you tune with the nature will tune with you 100%. Huh? Khali, just khali tumne application karke. Aisa koi nahi, main ek patte mein char aadmi ko lagata hu. Wo to apni energy deti hai. तो जब तक पत्ते में जान है, जब तक ऐसा हो पत्ता इज अलाइव, यू कैन यूज इट। पत्ता सूखा हो गया, फिनिश, राइट नो? वन द पत्ता एक्सपायर, सूखा हो गया, खाली उसमें जान ही नहीं है। उसी मतलब किसी भी जिसमें एनर्जी, वही तुमको एनर्जी देंगे ना। सूखा पत्ता में क्या एनर्जी है? एनीबडी वॉन्ट टू, आई थिंक टूडे कम फॉर गुड। बिगनिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, अब बाद में बात करते हैं। एनीथिंग, एनीबडी वॉन्ट टू हाईलाइट एनीथिंग स्पेशली फॉर डायबिटीज? शुड आई रिपीट अगेन? डायबिटीज के लिए देखो, मैंने खास बोला ये प्रॉब्लम मेन है, एज आई टोल्ड यू, फुल बॉडी प्रेजेंट इन अवर हैंड। दिस इज माई हेड, दिस इज माई नेक, दिस इज माई चेस्ट, थ्री पार्ट ऑफ वन टू एंड थ्री एच चीज अलग हो गई। अभी रहा ये हमारा पेट, पेट के अंदर सारा का सारा चीज हमारा पड़ा होगा। ये बॉडी के तीन पार्ट है, चेस्ट, नेक, हेड। हेड फेसिंग अप, थंब फेसिंग अप, राइट। वन टू थ्री, एक बेडरूम फिनिश हो गया। सेकेंड बेडरूम के अंदर ये पूरा मेरा पेट है, राइट है। पेट के अंदर सारे के सारे ऑर्गन हमारे समाये, जिसमें पैंक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, एवरीथिंग विच इज देयर। यानी इतना पोर्शन जो है, जो मेरा पूरा स्टमक है, जो भी चीजें सबके साथ इतने समाई हुई है, राइट। तो खाली स्टिमुलेशन विद द पेन और लकड़ी और एनी राउंड ऑब्जेक्ट विल स्टिमुलेट माई एंटायर ऑर्गन ऑफ माई बॉडी इंक्लूडिंग पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियाज, इंसुलिन का उत्पादन कम होने की वजह से बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ते जा रहे हैं, राइट है ना। शुगर तो बॉडी में चाहिए, शुगर अगर नहीं हो तो आदमी काम कैसे करेगा, एनर्जी कहां से है? शुगर से। लेकिन इंसुलिन जो है, इंसुलिन पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज डजंट फंक्शन, ड्यू टू विच इंसुलिन डजंट प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज, दैट इज वाई डॉक्टर सजेस्टेड टू गो फॉर इंसुलिन। तो ये करने से, ये मैंने बताया कि हल्दी का शेप और पैंक्रियास का शेप ऑन एंड ऑफ सेम। तो ये यहां पर लगाने से अगर मेरा इंसुलिन का बनना चालू हो जाए, पैंक्रियास उसको सपोर्ट करने लगे, क्योंकि मैंने कुदरत को ध्यान में रखते हुए इसको मैंने यहां पे लगा दिया, और मैं कपड़ा बांध के इफ आई कीप इट एवरी डे फॉर 10 डेज और 8 डेज और 4 डेज अकॉर्डिंग टू कौन सा लेवल के ऊपर मेरा डायबिटीज है, एवरी 4 डेज, 5 डेज, 10 डेज, जस्ट मॉनिटर विथ योर डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अभी आपको बड़े इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है। तो आर यू सेविंग योर मनी बाय टेकिंग मेडिसिन? आपके बॉडी को हेल्थ अच्छी मिलती है? इसको मुझे ऐसा लगाने के बाद में हर 10 दिन में, 8 दिन में, 4 दिन में डॉक्टर के पास जाकर मॉनिटर करवाते हैं। आपका इंसुलिन इनटेक अगर कम हो जाए, डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ में ब्रीदिंग का एक्सरसाइज होना जरूरी है, फिजिकल वॉकिंग होना जरूरी है, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, जो रामदेव बाबा जी महाराज, कुछ कुछ सिंपल सिंपल एक्सरसाइज जो बहुत अच्छी तरह काम करती है। लेकिन सिंपल सिंपल एक्सरसाइज ही हमको चीप लगती है। इंसुलिन बड़े इंसुलिन में लेती है ना, बड़े चलने, अरे इंसुलिन लेने से जो एक्सपेंसिव तो है ही, पैसा भी नहीं है, इंसुलिन लेने का भी नहीं है, लेकिन क्या करें, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है,
ये करने से इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, सिंपल है, लेकिन सिंपल है वही कॉस्टली है, करे कौन। तो ये करने से अगर हमारा फायदा अगर हो जाए तो नुकसान कहां पर होगा, एम आई राइट सर। तो ये करने से काफी हद तक काफी लोगों को लाभ मिला हुआ है। इससे अल्ले जब तक हम करेंगे नहीं, हाउ कैन वी सेव इज कॉन्फिडेंस। मुझे कॉन्फिडेंस से बोलने में इसलिए मजा आती है कि मुझे 15 जन को बोला, 15 में 3-4 जन ने मुझे बताया, एक दिन के 3-4 जन ने ऑनेस्टली किया हुआ करके मुझे बताया। पहले मेरी मम्मी का डायबिटीज बोले काफी कंट्रोल में, बोले कितना मेरा, बोले 1.5 महीने, वेरी गुड। तो जब कैंप में जब आते हैं तब हमको बोलते थे वी गेट मोर कॉन्फिडेंस, ओके नाउ लेट यू सी मोर टू द पीपल।